हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टायर फटने से बेकाबू होकर पलटी यात्री बस, 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। बस में सवार थे 40 यात्री। बस में फंसे यात्रियों को पुलिस ने निकाला बाहर। ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन हाईवे पालड़ी एम थाना के सामने शुक्रवार सुबह 6:15 पर टायर फटने से बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए। बस पलटने की जोरदार आवाज सुनकर पालड़ी एम थाना का पूरा स्टाफ दौड़कर घटना स्थल पर पहुंचा और बस में बैठे यात्रियों को खिड़कियों से बाहर निकाला। बस पलटने की सूचना मिलते ही पालड़ी एम क्षेत्र के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। वहीं घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से सिरोही जिला अस्पताल पहुँचाया गया। पालड़ी एम थाना अधिकारी पद्मा शर्मा ने बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब 6:15 पर सूरत से बालोतरा जा रही बस का ड्राइवर साइड का अगला टायर फट गया। टायर फटने के बाद बस बेकाबू हो गई और करीब 300 मीटर दूर जाकर एक गड्ढे में पलट गई। बस के पलटने पर थाने के बाहर खड़े संतरी से थाना स्टाफ को आवाज लगाते हुए हादसे की जानकारी दी। इसके बाद उनके साथ ही थाना का पूरा स्टाफ दौड़ते हुए मौके पर पहुंचा। पुलिस कर्मियों ने बस की खिड़कियों से लोगों को बाहर निकाला। हादसे में 2 महिला सहित 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जागरूक टीवी के पोसारिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।